अगर कोई चीज ट्रांसलेट हो रही है ऐसे सीधी जा रही है तो उसके पास एंगुलर मोशन होगा, उसके पास भी एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। और उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? तुसी तुम अभी ज्वाइन कर रही हो, पर तबीयत तो ठीक है ना लूसी? हाँ तुमको बी से कैसे समझ में आएगा अभी? अभी आएगा, धीरे धीरे आएगा सब, देखो ना। अभी अभी पता है, अभी हम लोग जब सीखेंगे ना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, तब जाकर के पूरा तुमको फिर अच्छे से आएगा। टेंशन मत लो, अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब, धीरे धीरे आएगा। अभी ये टॉपिक लगभग 1 से 1.25 घंटा और चलेगा, ठीक है, तब जाके पूरा का पूरा कंप्लीट आ जाएगा तुमको अच्छे से। अब देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, अभी हमने क्या देखा था कि एंगुलर मोमेंटम अगर कोई रोटेटिंग बॉडी के पास भी है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है? MVH होता है, ठीक है। जहां पे वी एम वी क्या हो गया उसका लीनियर मोमेंटम, और H क्या हो गया उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर हमसे पूछा जाएगा, ठीक है, सुना ध्यान से, शो दैट, ये देखना एनसीआरटी में क्वेश्चन रही है, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया ना अभी प्रूफ करके कि एंगुलर मोमेंटम क्या था, इक्वल टू MVH, ये हमने अभी देखा ध्यान से। MV ऐसा था, ये हमारा थीटा था, ठीक है, MV, और ये हमारा क्या था, H। अभी हमसे अगर ये पूछा जाएगा कि ये जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटिटी होती है L, ठीक है, इट इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो हम ये बोलते ना कि ये इस सिचुएशन में इसका वैल्यू हो गया। और अभी जैसे देखो, मोमेंटम क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था, मास इनटू वेलोसिटी, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि उसका एनालॉग ही है। लेकिन याद रखना एक चीज, मैंने तुम लोग को बताई थी कि कोई भी एंगुलर क्वांटिटी हो, ठीक है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो उसका डायरेक्शन हमेशा हम लोग निकालते थे कर्ल रूल से या राइट हैंड पाम रूल से। ठीक है, जो वेक्टर पहले आता है उधर अपने पाम को रखो, दूसरी तरफ अपने हाथ को मोड़ो, इधर थंब पॉइंट करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी। अब यहां पे अगर तुमने अपने पाम को रखा अलोंग MV, ठीक है, पाम को मैंने किधर रखा, MV की तरफ, और अगर मैंने अपने हाथ को मोड़ा तो मेरा हाथ किधर मुड़ेगा, मेरा थंब किधर पॉइंट करेगा, टूवर्ड्स अपर डायरेक्शन, ठीक है, जरा रख करके देखो, पाम को रखो MV की तरफ, सॉरी आप पाम को रखो आर की तरफ, सॉरी पहले आर आ रहा था, दिस इज आर, पाम को रखो आर की तरफ और फिंगर्स को टर्न करो टूवर्ड्स MV की तरफ, देखो जो थंब है ना वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, तो एंगुलर मोमेंटम को डायरेक्शन किधर हो जाएगा, वो नीचे की तरफ, ठीक है। पता है इसके एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम अभी जो मैं तुमको समझा रहा हूं ना, ठीक है, तुम्हें बस इतना सिर्फ समझ में आना चाहिए कि निकाल क्या रहे हैं, फॉर्मूला क्या है। जब मैं तुमको इसके एप्लीकेशन सिखाऊंगा ना,
तब जाकर के तुमको इसका फील आएगा कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ पे। जैसे देखो मोमेंटम, तुमने कितना भी मोमेंटम पढ़ लिया, लेकिन जब तुमने जाकर के सीखा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तब तुमको समझ में आया था कि अच्छा एक बम फूटेगा तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक है। वहां से तुमको मेन मोमेंटम का फील आया था जब तुम कंजर्वेशन सीखे थे मोमेंटम का, उसके एप्लीकेशन सीखे थे, ठीक है। जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन वाला था, ठीक है, हमने सेंटर ऑफ मास पे देखा था कि फूटेगा तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो कहाँ से आया था, उसका मोमेंटम सब से रिलेटेड ही है। तब जाके मुझे फील आया था मोमेंटम का। इन द सेम वे अभी जो है ना, तुम सिर्फ इस चीज को समझो कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या, ठीक है। एक बार तुमको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना एंगुलर मोमेंटम का, फिर जब हम उसका कंजर्वेशन सीखेंगे ना, तब मुझे जाकर के उसका प्रैक्टिकल फील आया, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा डायरेक्शन निकालते थे हम लोग किसका, एंगुलर मोमेंटम का, आर से लेके पी। हाथ को रखो आर की तरफ, पी की तरफ मोड़ो। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो समझने में तो याद रखना एक चीज, अगर ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये होता है डायरेक्शन आउटवर्ड, ठीक है। यहां पे कैसा है, ये है क्लॉकवाइज, ये इनवर्ड डायरेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। एक मूवी देखी थी वो वाली दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें अमरीश पुरी क्या करता है, उसमें जो है ना अमरीश पुरी जो था कबूतरों को दाना डालता था, तो वो बोलता था आओ आओ आओ, ठीक है, तो याद कर जाना आओ, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कैसा डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड, ठीक है। यहाँ पे कैसा, ये क्लॉकवाइज है देखो तो इनवर्ड है। अगर यही डायरेक्शन अगर ऐसा होता एंटी क्लॉकवाइज, तो वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होता, आउटवर्ड, ठीक है। तो याद रखना है कि इसमें जो है ना, अपने को अगर डायरेक्शन देखा जाए तो एल एल वेक्टर इज इनवर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो मैं तुमको मैंने सिखाया ना एंगुलर मोमेंटम निकालने का, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है ऐसा, सो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेटिंग बॉडी इन वन डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंट। सीधी सी बात है, ये बॉडी ऐसे ट्रेवल करे ना, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसा है, तो हमने अभी जस्ट देखा था, जस्ट सॉ एल की वैल्यू क्या थी, एम वी एच, ठीक है, एंड डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। तुम किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, डायरेक्शन कैसा होगा इसका, इनवर्ड होगा, ठीक है। ये ऐसा है, ये ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन हर पॉइंट पे जाओगे ना, तुम क्या देखोगे कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू लगातार, देखो अगर मैं यहां पर हूं, मैं थोड़ा फिगर को साफ कर देता हूं, अगर मैं यहां पर हूं ऐसा जाएगा, अगर मैं यहां पर हूं तो ये ऐसा जाएगा। देखो अलग अलग पॉइंट पर जाने पे क्या होगा, ये थीटा की जो वैल्यू है ना, ये लगातार कम होती चली जाएगी, ठीक है। ये आर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये अगर मान लो आर वन था, ये आर टू था, ये आर थ्री था, लेकिन पता है तुम हर केस पे देखोगे ना कि जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ना, ठीक है, आर वन बढ़ रहा है, थीटा छोटा हो रहा है, लेकिन हर जगह क्या आएगा, जो जो थीटा और साइन थीटा और इसकी जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी ना, हर जगह पे मुझे सेम एच मिलेगा। समझना इस चीज को यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। हर जगह हमको वैल्यू क्या होगी, एम वी आर साइन थीटा, आर वन साइन थीटा वन, एम वी आर टू साइन थीटा टू, एम वी आर थ्री साइन थीटा थ्री, हर जगह ये वैल्यू जो है ना, आर वन साइन थीटा, यहां से ये एंगल देखेंगे ना हम लोग, हर जगह ये आर और इसका साइन थीटा, आर इसका साइन थीटा, आर साइन थीटा, हमको एच ही देगा, तो वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन एम वी एच, ठीक है।
डायरेक्शन हमेशा कैसा है, डायरेक्शन इज इनवर्ड, सो इट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए हमको दोनों चीजों पे फोकस करना होगा, उसकी वैल्यू पे भी उसके डायरेक्शन पे भी। कभी कभी क्या होता है डायरेक्शन डायरेक्शन जो होगा ना वो चेंज करे, ठीक है, लेकिन वैल्यू फिक्स रहे, तो इससे एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट रहने के लिए दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो पिछले वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें तुमको ऐसा बोल सकता है कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एंड शो इट्स डायरेक्शन। दूसरा सवाल उसपे ऐसा भी आ सकता है, शो दैट व्हेन अ बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी मोशन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट। तो तुम वही चीज को रिपीट करोगे, ठीक है, और दिखाओगे कि वैल्यू एमवीएच आ रही है और डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड आ रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखो इसी पे सवाल पे कैसे आ सकते क्वेश्चन सवाल एग्जाम में। और देखो अगर तुम सही बताओ ना, अगर तुमको एक चीज समझ में आ जाए, ठीक है, मान लो तुमको अगर मैं एक ट्रिक ही याद करवा दूं हमेशा के लिए, कि मान लो कोई बॉडी ऐसा है, कोई बॉडी की वेलोसिटी अगर ऐसी है, ठीक है, तो इस पे, ठीक है, और पूछा जाएगा कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, तो मैंने तुमको बोला इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अगर आर है, ये अगर मान लो थीटा है, ठीक है, ये भी थीटा होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये देख लो ये आर है, यहां से याद रखे तो ये एच हो जाएगा ना। ठीक है, एक बार समझ लो कि तुमको अगर कोई पॉइंट दिया जाए, ठीक है, और वेलोसिटी अगर मान लो उस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला अगर डायरेक्टली याद भी हो जाए मेरे को एम वी एच, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर छोटे छोटे फॉर्मूला तुमको याद हो जाते हैं ना, ट्रिक तुमको अगर याद ही हो जाती है इस तरह से अगर, ठीक है, तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें एंट्रेंस के सवाल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते। अब जैसे एग्जांपल ले लो, ये सबको समझ में आ गया ना, याद हो, याद रहेगा, ठीक है, कैसे था ये एम वी, ठीक है, ये आर मोमेंटम इज हाउ मच, एम वी आर साइन थीटा, व्हाट इज आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा इज एच। ठीक है, चलो एक काम करो, अभी सबको एक काम करो, मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, उसको सॉल्व करो। अ पार्टिकल इज मूविंग जिसका मास है हमको दिया गया 1 kg, ठीक है, उसकी ये ओरिजिन पे है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन है 1 m/s². फाइंड इट्स एल वेक्टर आफ्टर 1 s, ठीक है, और ये जो पार्टिकल है ना मेरे को इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 1, 2, ठीक है, और 1 s बाद इसका मुझे निकालना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। चलो सब कोई करो, उसको जल्दी से करो। सब कोई हो गया आंसर, एकदम इजी क्वेश्चन है आज, खाली इसके फॉर्मूला से, ठीक है, कल इसके एप्लीकेशन सीखेंगे। सबको दोगे आंसर? ओके, बाकी लोग भी दो।
तुमको पता है जान करके ताजुब होगा कि जो भी बेले डांसर्स होती है, ठीक है, बाकी लोग भी डांसर, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, एंगुलर मोमेंटम पे। बिल्ली, बिल्ली अगर बताओ चौथे माले से भी गिर जाए ना तो मरती नहीं है, गिरेगी तो भाग जाएगी वहां से, हम लोग मर जाएंगे, चौथे माले से गिरेगी, हड्डी वड्डी टूट जाएगी। बिल्ली को खरोंच तक नहीं आती है, इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। बाकी लोग दिया आंसर, सबको दो आंसर, वो सब हम लोग कल करेंगे डिस्कस। कंजर्वेशन जब पढ़ेंगे ना मोमेंटम की, तब जाकर के तुमको लगेगा कि नहीं हाँ क्या। लेकिन वो कंजर्वेशन सीखने के लिए हम लोग को पहले, इसके पहले बहुत सारी कुछ बेसिक बेसिक चीजें सीखनी होंगी, भले जिसमें मजा आए नहीं आए, लेकिन ये सीखेंगे तभी वो समझ में आएगा। देखो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, ठीक है, 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर देखो, हाँ मैं बस छोड़ आप 2 मिनट, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसका मोमेंटम हो जाएगा 1 kg/s। ठीक है, ये अगर मैं देखू ना, ज्वाइन करो अगर मैं इसको ऐसा, तो यहां पर देखो इसका मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, mv, दैट इज 1 × सीधी सी बात है पैरेलल जा रहा है, तो हाइट क्या हो जाएगी देखो, तो ये हाइट हो जाएगी हमारी 2 ना, क्योंकि एक्स क्या हो गया, सॉरी इसका एक्स तो वैरी करेगा, वाई क्या होगा यहाँ पे, वाई तो 2 हो जाएगा, इंटू 2 दैट इज 2 kg/s, ठीक है ना, क्योंकि mvh, ठीक है, mvh पे हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। थीटा मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज थीटा सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है। अगर तुम एंट्रेंस में सवाल सॉल्व करते हो तुमको थीटा वहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधे तुमको एच देखना है। और डायरेक्शन अगर बोला जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, मैं देख रहा हूँ कि ये कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में आओ, ठीक है, क्लॉकवाइज है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे कैसा है ये, सॉरी यहाँ पे ये ऐसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, आर क्रॉस, आर से देखते पी की तरफ, तो क्लॉकवाइज है ये, तो क्लॉकवाइज में कैसा होगा, ये इनवर्ड हो जाएगा ना, ठीक है। और यहां पर एक चीज समझना, यहां पर जो मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, दैट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। हम इसकी बात आगे चल करके करेंगे भी कि एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट रहता है और कब कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। आज के लिए काफी, इतना जितना मैंने पढ़ाया उतना अच्छे से पढ़ जाना, बिकॉज जो मैंने आज सिखाया ना, दैट इज एक्चुअली कंपल्सरी थिंग टू अंडरस्टैंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, आर क्रॉस पी, ठीक है, एंड बाकी जो भी तुमको निकालना है वेक्टर, जैसे तुमने टॉर्क सीखा था वैसे तुम उसके सारे मेथड वहां पे यूज करोगे, ठीक है। ट्रांसलेटिंग बॉडी का हमने देखा एंगुलर मोमेंटम होता है, हम लोग कल देखेंगे रोटेटिंग बॉडी का, फिर हम प्रिंसिपल पे आएंगे, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, बाय, टेक केयर।